अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सज्जाद अली एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सज्जाद क्रिएशन। फ्रेंड्स, आ गया हूँ एक और न्यू कमाल के स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रबीउल अव्वल का नेम आर्ट वीडियो बिल्कुल इसी टाइप का जो आपने हमारे इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा बनाने का मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज, अगर आप भी बनाना चाहते हैं बिल्कुल इसी टाइप का कमाल का स्टेटस वीडियो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको ए टू जेड गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस, चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, देन प्लस पर टैप करके गाइस यहां से 16:9 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन गाइस, सबसे पहले आपने यहां पर एक बैकग्राउंड वीडियो को ऐड करना है जो कि मैंने पहले से बना रखा है। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर जो भी मटेरियल मैं यूज करने वाला हूँ जैसे कि PNGs या फिर ये बैकग्राउंड वीडियो, उन सबको मैंने एक फोल्डर के अंदर कंप्रेस कर लिया है, ठीक है। उस फोल्डर का लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से जाकर उसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, तो गाइस जब आप उस फोल्डर को अनजिप या एक्सट्रैक्ट करेंगे तो गाइस वहां पर एक पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, वो पासवर्ड मैंने इसी वीडियो में आगे चल के बताया है, ठीक है। तो गाइस, आपने वीडियो को एंड तक देखना होगा तभी आपको पासवर्ड मिल पाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, तो गाइस सबसे पहले जो है ना, आपने इस बैकग्राउंड वीडियो को ऐड कर लेना है, देन आपने जितने सेकंड का वीडियो बनाना चाहे उतना सेकंड इससे रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है वीडियो के स्टार्टिंग में, देन लेयर पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करना है, और गाइस सबसे पहले आपने यहाँ पर एक ये वाली PNG इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद गाइस इसकी साइज़ को आपने बड़ा कर लेना होगा कुछ इस टाइप से। बड़ा करने के बाद इसे आपने जो है ना टॉप पर यहाँ पर सेट कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी लेयर को ले जाना है प्रोजेक्ट के एंड तक जहाँ तक आपका बैकग्राउंड है, देन यहाँ से ओके कर दें, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर टैप करके गाइस यहाँ से आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और गाइज उसके बाद यहाँ से आपने उर्दू वाले कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, देन गाइज यहाँ पर आपने लिख लेना है तमाम अहले इस्लाम को, मेरी तरफ से भी लिख सकते हैं या फिर गाइज यहाँ पर जो है ना मेरी की जगह आप अपने नेम को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपने नेम को लिख लेता हूँ, आप अपने नेम को लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइज यहाँ से जो है ना की तरफ से जो है ना यहाँ तक आपने लिख लेना है, यहाँ तक लिखने के बाद जो है ना आपने यहाँ से कर देना है ओके, ठीक है। ओके करने के बाद गाइज यहाँ से आपने डबल ए के ऊपर टैप कर लेना है, और गाइज इन टेक्स्ट के ऊपर जो है ना आपने कोई भी उर्दू फॉन्ट जो है ना वो अप्लाई कर देना होगा। तो गाइज यहाँ पर जो है ना काइन मास्टर के अंदर अगर आपको कस्टम फॉन्ट्स को ऐड करना नहीं आता तो गाइज उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो है ना ये वाला जो महर नस्तलीक वाला जो फॉन्ट है गाइज, ये वाला फॉन्ट मैं इन टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज अप्लाई करने के बाद जो है ना सिंपली यहाँ से आपने कर देना है ओके। ओके करने के बाद गाइज आपने इन टेक्स्ट की साइज़ को जो है ना बड़ा कर लेना होगा, इंक्रीज कर लेना होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद इन टेक्स्ट को आपने थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, और यहाँ पर आपने इन्हें एडजस्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने टेक्स्ट वाली लेयर को प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहाँ तक आपका बैकग्राउंड है, देन यहाँ से आपने ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने आ जाना है इस वीडियो के स्टार्टिंग में, देन लेयर पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करना है, देन गाइज यहाँ पर एक और PNG इमेज को आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद गाइज आपने इसकी साइज़ को इंक्रीज कर लेना होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। उसके बाद गाइज आपने इस वाले PNG इमेज को बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आपने इसे एडजस्ट कर लेना है, रख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसकी लेयर को भी प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाइए जहाँ तक आपका बैकग्राउंड है, देन यहाँ से ओके कर दें, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो टेक्स्ट वाली लेयर है आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से 3 डॉट्स पर टैप कीजिए, देन यहाँ से गाइज इसका एक डुप्लीकेट लेयर ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गाइज आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से इन टेक्स्ट को आपने रिमूव कर लेना है, ठीक है। और गाइज यहाँ पर आपने जस्ट लिख लेना है मुबारक हो, ठीक है। तो गाइज सॉरी जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मुबारक हो, ठीक है। ये लिखने के बाद सिंपली आपने यहाँ से कर देना है ओके,
ठीक है। ओके करने के बाद एंड टैक्स को आपने नीचे की तरफ ले आना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपने एंड टैक्स को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, आप इन्हें छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से कर दें ओके, ठीक हो गया। उसके बाद अगेन आपने आना है स्टार्टिंग में, देन लेयर पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पर जो है आपने लास्ट वन एक पीएनजी इमेज ये वाली इसे ऐड कर लेना होगा, ठीक है। इसे ऐड करने के बाद गाइस आपने इसकी साइज़ को भी इंक्रीज कर लेना होगा, बड़ा कर लेना होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। और गाइस इसे आपने लेफ्ट वाली साइड यहाँ पर रख देना है, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद गाइस इसकी लेयर को आपने प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है, जहाँ तक आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है, तो उसके लिए सिंपली आपने यहाँ से थ्री डॉट्स पर टैप करके डुप्लीकेट पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपने इस डुप्लीकेट वाली लेयर को राइट साइड में लेके आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। और गाइस इसे आपने यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली जो है ना आपने यहाँ से कर देना है ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइस इतना सब करने के बाद गाइस अब आपने करना ये होगा गाइस, अब आपने यहाँ पर एक कलर वाले वीडियो को ऐड कर लेना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइस उसके लिए आपने स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करना है, और यहाँ से इस वाले कलर वाले वीडियो को ऐड कर लेना है। तो गाइस इस कलर वाले वीडियो का लिंक भी जो है ना आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद गाइस इसे आपने फुल स्क्रीन पर सेट कर लेना है, बड़ा कर लेना है, यहाँ से पकड़ के खींच लीजिए कुछ इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ से आपने चले जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद गाइज इसे आपने मल्टीप्लाई पर सेट कर लेना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद गाइज अब आपने यहाँ पर एक पार्टिकल वाले वीडियो को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो गाइज उसके लिए अगेन स्टार्टिंग में आ जाएं, देन लेयर पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करें, और गाइज यहाँ पर जो है ना एक पार्टिकल वीडियो को ऐड कर लीजिए। तो गाइज इस पार्टिकल वाले वीडियो का लिंक भी जो है ना आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस इस पर्टिकल वीडियो को ऐड करने के बाद इसे भी आपने जो है ना फुल स्क्रीन के अंदर सेट कर लेना होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने चले जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, ब्लेंडिंग में जाने के बाद गाइस इसे आपने स्क्रीन के ऊपर सेट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कर दीजिए ओके, ठीक हो गया। उसके बाद गाइस आपने कुछ भी नहीं करना, आपका जो स्टेटस वीडियो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइस चलिए एक बार मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटस जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद आपने सिंपली इसे सेव कर लेना है, सेव करने के लिए यहाँ से शेयर पर टैप कीजिए और क्वालिटी सिलेक्ट करके यहाँ से सेव एज वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर लीजिए। उसके बाद गाइस आप इसे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आसानी से अपलोड कर सकते हैं। सो गाइस उस फोल्डर या फाइल का जो पासवर्ड है गाइस वो है 778899, या स्क्रीन पर गाइस मैं आपको शो भी करवा देता हूँ, ठीक है। इस पासवर्ड का यूज़ करके आप उस फोल्डर या फाइल को एक्सट्रैक्ट या फिर अनजिप कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।